नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सासनी थाना क्षेत्र के गांव नोजरपुर बालिका से छेड़छाड़ का मामला। नोजरपुर निवासी अमरीश शर्मा ने पुत्री के साथ छेड़खानी का मामला आरोपित गौरव शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। मुकदमा वापस न लेने के कारण 1 मार्च 2021 को उनके खेत पर दिन दहाड़े दोपहर के समय अपने साथियों के साथ पहुंचकर गौरव ने 3 गोलियां मारकर अमरीश शर्मा की हत्या कर दी थी। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जो कि अभी फरार चल रहा है। हाथरस से MS खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सासनी थाना क्षेत्र के गांव नोजरपुर बालिका से छेड़छाड़ का मामला। नोजरपुर निवासी अमरीश शर्मा ने पुत्री के साथ छेड़खानी का मामला आरोपित गौरव शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। मुकदमा वापस न लेने के कारण 1 मार्च 2021 को उनके खेत पर दिन दहाड़े दोपहर के समय अपने साथियों के साथ पहुंचकर गौरव ने 3 गोलियां मारकर अमरीश शर्मा की हत्या कर दी थी। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जो कि अभी फरार चल रहा है। हाथरस से MS खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सासनी थाना क्षेत्र के गांव नोजरपुर बालिका से छेड़छाड़ का मामला। नोजरपुर निवासी अमरीश शर्मा ने पुत्री के साथ छेड़खानी का मामला आरोपित गौरव शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। मुकदमा वापस न लेने के कारण 1 मार्च 2021 को उनके खेत पर दिन दहाड़े दोपहर के समय अपने साथियों के साथ पहुंचकर गौरव ने 3 गोली। हाथरस के सासनी में आज से 9 दिन पहले एक किसान अमरीश शर्मा जी की हत्या हो गई थी। उस मामले में बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। क्यों? क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था, मात्र 2 बेटियां उनके पीछे रह गई हैं और उनकी पत्नी है, यानी कि वो अकेले कमाने वाले थे सर घर में। अब क्या होता है, उनके बनने के बाद में भाई सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार का भी ध्यान दे, उस परिवार को ये सोचे इसका पालन पोषण कैसे होगा। सिर्फ आपके कह देने से कि हम अपराधियों पे NSA लगाएंगे, इससे उस परिवार को क्या मिलेगा? क्या इस बिटिया की शादी हो जाएगी? क्या इस बिटिया का पालन पोषण हो जाएगा? क्या इस बिटिया की आगे की पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे मामलों में यह भी सोचना चाहिए कि जिस परिवार का व्यक्ति कमाने वाला चला गया, उसका आगे का पालन पोषण कैसा होगा। तो हमारी एक ही मांग है कि हम चाहते हैं इस बिटिया को नौकरी मिले और साथ ही साथ मुआवजा दें सरकार, ताकि एक आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सके। इतना ही अनुरोध करने आए थे।